वेलकम बैक टू माय चैनल संजू थेला ब्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप, क्योंकि बाइक में तेल बिल्कुल भी नहीं है। दो दिन से रिजर्व में चल रही है, तो मैंने अपने भाई को बोल दिया कि बाइक निकाल दे, क्योंकि तब तक मैं हेलमेट ले लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं। तो चलते हेलमेट लेके आते हैं। तो हेलमेट यहीं कहीं रखा रहता है। अरे अरे वो नीचे है। तो हेलमेट ले लिया है और लाइसेंस भी ले लिया मैंने। अब चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप आ चुके हैं और देखते हैं आज का पेट्रोल का रेट क्या है। पेट्रोल का रेट है 102.32। पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन 102.32 है अभी रेट। और स्पीड का है 105 समथिंग। तो ऑनलाइन पेमेंट करूंगा मैं, तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अभी हम लोग फिर से घर की तरफ जा रहे हैं, जा तो रहे थे पूरा घर, लेकिन फिर भैया का फोन आ गया, क्योंकि कल मेरा भाई मेरा फ़ोन समझकर भैया का फ़ोन लेकर आ गया। तो भैया ने अभी फ़ोन, भैया से मैंने पूछा कि फ़ोन घर में दे दे या लेके आए, तो भैया ने बोला लेके आना है। तो फिर अब घर ही जा रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मिठाई दुकान, तो दही लेना है। गांव से चाचा चाची आए हैं, तो घर में बिरयानी बनेगा, क्योंकि वो लोग आज चल जाएंगे शाम को। चलते हैं मिठाई दुकान और लेकर आते हैं दही। काकू 200 टॉक दे रहा, तो 200 टॉक दे। फ्रिज में मैंने रख दिया है दही, तो बाद में पड़ेगा बिरयानी में, अभी तो नहीं पड़ेगा, तो बाद में मम्मी यूज़ कर लेगी। टाटा। चाबी पॉकेट में। तो अभी फिर से ज़मीन में आ गए हैं, तो कुछ बालू बचा था, मतलब जितना ही हम लोगों ने उठाया था उतना ही बालू अभी भी बचा है। तो आप देख सकते कितना कड़ा धूप, देखिए कितना कड़ा धूप है, पूरा सीधा ऊपर सूरज है एकदम सीधा। और देखिए किस तरह पानी छोड़ रहा है बालू। थोड़ा सा मैंने साइड कर दिया ताकि उठाने में सुविधा हो। तो आज हम लोग को टास्क है कि हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। करेंगे कि नहीं कंप्लीट करेंगे? तो आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको। तो बिना टाइम वेस्ट किए काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके बाद गिट्टी भी उठाना है। तो आज हो पाएगा कि नहीं देखेंगे, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर टाइम हुआ तो गिट्टी भी स्टार्ट कर देंगे, अगर नहीं टाइम हुआ तो फिर कल करेंगे। तो आज हम लोग ने डिसाइड किया कि इतना इतना बालू, देखिए पूरा भर के रखा हुआ, इतना इतना बालू भरेंगे, क्योंकि बालू पूरा गीला है तो मेहनत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा बालू करके हम लोग लेके जाएंगे एक एक करके। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भर रहे हैं, तो फटाफट भरते हैं, इसके बाद नीचे भी लेके जाना है।
तो इतना बालू हम लोगों ने उठाया है और इधर भी है और ऊपर भी देखिए थोड़ा सा रखा हुआ है और छत में भी थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। गर्मी तो लग रही है, गर्मी तो लग रही है और साथ में टकला भी बहुत गर्म हो रहा है क्योंकि धूप है, कड़ा धूप है, लेकिन वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंटली, थोड़ा बारिश बारिश वाला वेदर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत बहुत पड़ रहा है क्योंकि भीगा बालू है, देख सकते पानी भीगा बालू है, पानी छोड़ रहा है। तो हम लोग काम करते करते साथ में गाना भी सुन रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा एनर्जी मेंटेन रह रहा है, मीन्स एनर्जी मिल रहा है गाना से। आपको तो पता है कि गाना हर जगह, शादी में हो या कोई भी फंक्शन हो, प्ले होता है तो थोड़ा एनर्जी आपके अंदर बिल्ड होता है, तो उसी तरह हम लोग भी थोड़ा एनर्जी बिल्ड कर रहे हैं गाना से, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वर्क का लोड हम लोग को पता ना चले। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच में बहुत हालत ख़राब हो रही है, कुछ करने को नहीं है। ये देखिए पीछे और भी है और नीचे भी पड़ा हुआ है, और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा तो ये जो सूखा सूखा लग रहा है इतना तक, यहाँ तक हम लोगों ने एक दिन में किया था और आज देखिए कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, इसलिए इतना हालत ख़राब हो रहा है। आज कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद गिट्टी उठाएंगे, आज नहीं कल, आज इतना इनफ है, और फिर घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। बहुत थक गया हूँ, पानी पीने से भी जो सांस चढ़ रही है वो कम नहीं हो रही है, थोड़ा तो रेस्ट कर रहे हैं हम लोग अभी, रेस्ट करने रेस्ट करने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सी बचा, अब ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए इस साइड यहाँ पर जो आप तख्ता देख रहे हैं ये भी हम लोग ने उठाया, फिर यहाँ पर बांस आप देख रहे हैं ये भी उठा के रखा क्योंकि बारिश हो रही है। कलकत्ता में कब वेदर चेंज हो जा रहा है कोई पता नहीं, बारिश होते जा रही है तो उसके वजह से बांस भी सड़ जाएगा, तख्ता भी सड़ जाएगा और बालू से तो छत डैम हो ही सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने फटाफट बालू को पहले नीचे किया उसके बाद गिट्टी करेंगे क्योंकि बालू पानी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए उसको सबसे पहले हम लोग को नीचे करना पड़ा। और बाहर देख सकते हैं धूप हो गया कड़ा, इसलिए ऐसा वाइट वाइट दिख रहा है। तो अब और थोड़ा सा ही बचता है तो उसको भी कंप्लीट करेंगे और फिर घर चलेंगे। तो सुनना, एक काम करते हैं, ऊपर कितना है, 4 बोरा लगेगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा। हाँ, पहले इसको नीचे करना है, नीचे करने के बाद इसको साइड में रखेंगे। ठीक है, 4 बोरा ले लेते हैं, 4 बोरा ले, 4 बोरा में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको उतारना पड़ेगा, इसको उतार लेते हैं, जगह क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर 4 बोरा भरेंगे। और इसमें जो बालू है इसको अलग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा काई भी आ गया है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन ये थोड़ा गंदा हो गया, इसलिए इसको अलग से रखना होगा, अभी पता नहीं, पापा बताएंगे। तो ये बालू साफ था, इस बालू को हम लोगों ने अलग कर दिया और ये बालू में थोड़ा सा काई आ गया है तो इसको अलग से रखेंगे, जब सूख जाएगा तो फिर इसको हम लोग छन्नी से छान के फिर इसको अलग से फिर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ये सब नीचे कर लेते हैं, तो मेरा भाई लग गया है नीचे कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। पकड़ उसको, तो देख सकते हैं सीढ़ी पूरा पानी पानी हो गया है क्योंकि बालू में पूरा पानी भरा हुआ है, इसलिए पूरा।
तो सांस बहुत जल्दी जल्दी फूल रही है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अभी तो बॉडी हीट है, पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा से रेस्ट करके उसके बाद पानी पीना चाहिए, लेकिन प्यास लग रही बहुत तेज़, तो पी लेते हैं। पानी पीना हो गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक तख्ता ले लेता हूँ मैं बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा पानी है। अरे अभी चूता ना मेरा, ब्रेक लग जाता, बच गया, नहीं तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता। चूता ना मेरा, ब्रेक लग जाता। अरे अरे डिसबैलेंस हो रहा ब्रेक की वजह से। अरे ठीक है, रेस्ट करते फिर चलते घर।